अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग शुरू करते हैं। आज है ट्रिप का दूसरा दिन हमारा। हमारा प्लान है म्यूनिख घूमने का। उसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो हमने लिस्ट में रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है ओलंपिक पार्क, जो कि 1972 के ओलंपिक्स में बनाया गया था। और फिर सिटी सेंटर घूमेंगे म्यूनिख की। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आज आपको मज़ा आएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम म्यूनिख पहुंच गए हैं और यहाँ हम रुके हैं म्यूनिख के एक एरिया गार्शिंग में, जहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख का कैंपस है। बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट इनके हैं ना। कुछ कैंपसेस जो मेन कैंपस है इनका बिल्कुल सिटी सेंटर में है, लेकिन सिटी सेंटर में इन्हें मेरे ख्याल से जगह नहीं मिली थी अपनी यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड करने की। तो इन्होंने मेन सिटी से थोड़ा सा बाहर करके एक जगह पर इन्होंने बहुत बड़ा कैंपस बनाया हुआ है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के सामने, और यहाँ इंफॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में एक बहुत ही मशहूर स्लाइड भी है, जो हाफ पैराबोलिक स्लाइड है। और वहाँ मैंने 10 साल पहले यानी 2012 में वो स्लाइड ली थी उस वक्त। चल झूठा। और बिल्कुल सिटी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल दरमियान में यहाँ ट्रेन स्टेशन है, और ट्रेन स्टेशन के सामने करके है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ये लगती है यूनिवर्सिटी जो म्यूनिख में है ना, मेन में कौन लगती है? वो पास तो अब यहाँ हुआ जाता है नाश्ते का टाइम। नाश्ते में हमारे पास है ये सैंडविच है, और इसमें चीज़ है और अंदर कुछ वेजिटेबल्स हैं, और साथ भाभी ने यहाँ ऑर्डर किया है कुछ मीठे में। ब्लुंडा ब्लुंडा नहीं, और साथ में कॉफ़ी। कैसे टेस्ट में? उस्मान भाई ने क्रोसॉन ऑर्डर किया। और ये जो बसें खड़ी हैं ये यूनिवर्सिटी की नहीं है, सिटी बसेस हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी हैं, और यही चलती हैं यहाँ से आसपास इलाकों में। आर्यन जरीन आई है, आने लिए क्या हो गया? आएंगे हम यहाँ। और ये बिल्कुल ओलंपिक पार्क के पास यहाँ है स्टूडेंट डॉम छोटे। सो जब 1972 में ये छोटे अपार्टमेंट्स बनाए गए थे, तो इनका मकसद ये था कि यहाँ प्लेयर्स रह सकते हैं, लेकिन ओलंपिक्स के बाद ये स्टूडेंट डॉम्स को दे दी गई थी जगह। ये देखें जी, कितनी ही प्यारी गली और डिफरेंट कलर्स की हमें। बिल्कुल ओलंपिया पार्क के एंट्रेंस में यहाँ BMW वर्ल्ड है, BMW का म्यूजियम है। सो यहाँ शोरूम में BMW के न्यू मॉडल और जो मॉडल सबसे ज़्यादा चल चुके हैं पास में, वो इन्होंने शोरूम में खड़ा कर सकते हैं। कहाँ? वासी पाकिस्तानी। ये वासी वही लड़का है। कौन सा? अच्छा, वो जो कुकिंग चैनल भी है मेरे ख्याल से चाहिए। यहाँ इन्होंने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को दरमियान से काटी हुई है, दिखाया गया कि कौन से पार्ट्स कहाँ पड़े होते हैं। ये बिल्कुल सीट्स के नीचे बैटरी सिस्टम होता है सारा, और ये साइड पे चार्जिंग सिस्टम है। यहाँ नीचे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ इन्होंने, और ऊपर जो सेकेंड फ्लोर है वहाँ मोटरसाइकिल्स हैं। और ये मेरे ख्याल से है
अपने इब्रार भाई के पास गाड़ी। इब्रार भाई के पास यही है उस्मान भाई। हम जनाब बाइक्स, हैवी बाइक्स की पावर चेक करें, 1800 cc। स्पोर्ट्स और हमने अब ओलंपिया पार्क भी घूमना था, लेकिन दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं बारिश कब रुकती है। म्यूजियम के सामने इनका BMW का ऑफिस है और ये है बिल्डिंग। सो BMW म्यूजियम घूमने के बाद हमने ली छोटी सी ब्रेक। जुम्मे का दिन था तो आज जुम्मे की नमाज पढ़ी हमने और अब हम वापस ओलंपिया पार्क आ गए हैं। पार्किंग और अब टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 का। बारिश ख़त्म हो चुकी है, धूप भी निकली हुई है, लेकिन घने काले बादल अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं साइड से और यहाँ म्यूजिक चल रहा है। तो ये देखें जी, यहाँ इन्होंने ओलंपिया पार्क का मैप बनाया हुआ है, जहाँ के ये दो स्टेडियम है, ओलंपिया हाले और ओलंपिया स्टाडियोन के नाम से, जो वो फुटबॉल वाला स्टेडियम है, और ये जो हॉल है यहाँ स्विमिंग वगैरह और डिफरेंट और एक्टिविटीज़ के लिए। दरमियान में एक प्यारा सा इन्होंने आर्टिफिशियल सी लेक बनाया हुआ है, जिसे ये जी कहते हैं। अच्छा बन गया, लेकिन बारिश कभी भी हो सकती है और हमने अभी भी उस चोटी तक जाना था कि हम ऊपर से व्यू देख सकें। अब यहाँ हो चुकी है बारिश हल्की हल्की शुरू और डक्स कर रही हैं, एंजॉय मज़े से घूम रही हैं लेक में, और हम बैठे हैं यहाँ दरख्त के नीचे क्योंकि बारिश है अभी हल्की सी। देखते हैं कब तक यहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं। बारिश हो गई है बहुत तेज़ और अब मुझे लग रहा है यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो गया और मुझे लगता है मैंने गीले हो जाना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गजब बेइज्जती है।